17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महत्व श्री शनि धाम शनि तीर्थ चित्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनि धाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो से छोड़ने के लिए निःशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनि धाम करिए दर्शन कि आपका कल्याण। ये निःशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की है। नमन आ रहे। पंद्रह मार्च 2018 और गुरुवार का दिन है। क्या प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिली? क्या आपको नौकरी को लेकर हमेशा उतार चढ़ाव रहता है? प्रयासों के बावजूद भी मन में शांति नहीं है, चैन की नींद नहीं आ रही है, खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो रही है और व्यर्थ के खर्चों के कारण आपकी सारी पारिवारिक व्यवस्था लड़खड़ा जाती है या फिर घुटनों में दर्द हो। इन संपूर्ण समस्याओं का समाधान लेकर मैं आ रहा हूं आज गुरु मंत्र में। आज का उपाय शुरू करूं उससे पहले, क्योंकि आज 15 मार्च है और कल 16 मार्च है। 16 मार्च को देवाधिदेव शनिदेव की महाआरती होती रात्रि 12 बजे। दर्शन करने मात्र से जीवन के सारे कष्ट मिटते हैं। 16 मार्च की रात 12 बजे महाआरती और यह अद्भुत महाआरती मेरी आराध्य का शनि मावस्या की पूर्व संध्या पर अद्भुत मंगलमय आरती, हजारों लोगों के साथ संत महात्माओं के साथ इस आरती का आयोजन करता हूं। 16 मार्च रात्रि 12 बजे प्रारंभ, और आप जाते कि आरती में शामिल, क्योंकि दर्शन करने मात्र से, आरती के दर्शन करने मात्र से जीवन में मंगलमय वातावरण रहता है। महाआरती 12 बजे प्रारंभ होंगी, लेकिन उसके लिए आपको 10 बजे श्री शनि धाम शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी में आना होगा। और मित्रों, आराध्य का दिन है शनि मावस्या का। 16 तारीख को महाआरती और 17 तारीख को शनि मावस्या का दिन है। ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो रेल का प्रयोग करें। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुणे वापस छोड़ने के लिए निःशुल्क वातानुकूलित बस की सुविधा है, और यह सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों की ओर से। पधारी शनिधाम और पुणे हृदय से ये फकीर, इस राष्ट्र का सेवक, संपूर्ण राष्ट्र के लोगों से, दिल्ली और एनसीआर के लोगों से हृदय से सादर आमंत्रित कर रहा है कि पधारिए श्री शनिधाम के दर्शनों के लिए शनिधाम, और करी प्रभु के दर्शन के आपका कल्याण हो। नमन आ रहे, नमन आ रहे, नमन आ रहे। गुरु मंत्र प्रारंभ करें इस उपाय से। मेरे बहुत से मित्रों ने मुझसे कहा, दाती महाराज, अचानक खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी हो, काम बड़ा अच्छा चल रहा था लेकिन अनजाने खर्च, और इन खर्चों की वजह से सारी पारिवारिक और व्यावसायिक व्यवस्था लड़खड़ा गई, क्या करें? ये उपाय बड़ा कारगर है। मंगलवार के दिन नित्य कर्म से निरोध स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में हनुमान जी के श्रीविग्रह के सामने गाय के घी का दीपक जलाए। ओम हम पवनंदना स्वा, इस मंत्र का जाप करते 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो चने का भोग लगाई, और भोग लगाने के बाद वहीं बैठे 11 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक करें। ऐसा 11 मंगलवार करें, नियमित रूप से करें। पूजा के बाद गुड़ और चने गरीब निराश्रित कन्याओं को या गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा, करके देखिएगा, कष्ट अवश्य मिटेंगे। नमोनारायण। और बात करते हैं गुरुवार के पंचांग की। चैत्र मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और विक्रम संवत 2074 गुरुवार का प्रातकालीन नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र चंद्रमा कुंभ राशि में। बात उनकी करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 15 मार्च आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 15 मार्च आपका जन्मदिन और निजगत कर्मों की वजह से आपको अनावश्यक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा। प्रयासों के बावजूद धन की बचत नहीं हो रही, कारोबार में सफलता नहीं मिली और नौकरी को लेकर हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, तो हर मंगलवार को नित्य कर्म नियोग स्नान उपरांत श्रद्धानुसार गुड़ और गेहूं के आटे का पुए बनाकर अपने ऊपर 7 बार उसार कर गौशाला में दान दे दीजिएगा, कष्ट मिट जाएंगे।
कुष्ठ रोगियों को मंगलवार के दिन गेहूं का दान देना भी 2018 में आपके लिए अनुकूल और लाभदायी रहेगा यदि आपका जन्म 15 मार्च को हुआ तो। नमन आ रहे हैं। अगला कदम सितारों की ओर और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए, मैं बात करूंगा गुरुवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि ग्रह गोचर शुभ, चंद्रमा 11 भाव से गोचर कर रहा है, लाभ का संकेत दे रहा है, परेशानियों से मुक्ति का संकेत दे रहा है, अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद का संकेत दे रहा है और गुरुग्रह गोचर की शुभता से मन अनुकूल कार्य संपन्न होंगे। किसी विशेष कार्य के बन जाने से प्रसन्नता होगी, धन लाभ होगा, भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे और देश विदेश से लाभकारी यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। नमन आ रहे हैं। क्या करें, जो लोग आपके साथ अपना समय देते हैं, अपना काम करते हैं, उन सब के साथ मधुर व्यवहार बहुत जरूरी है आज के दिन। क्या ना करें, बहुत जरूरी है, किसी के साथ भी झूठा वादा ना करें। नमन आ रहे हैं। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, ग्रह गोचर की अनुकूलता लाभ का पूर्ण संकेत दे रही है। सितारे कह रहे हैं कि आज परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, प्रयास सार्थक होंगे, अपनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, कारोबारी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, भाग्य उन्नति के साधन उपलब्ध होंगे, किसी प्रियजन की मदद आपको खुशियां देगी, कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता से धन लाभ मान सम्मान बढ़ेगा और देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेगा और यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। नमन आ रहा है। क्या करें, अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें, व्यर्थ के विवादों में न पड़े। नमन आ रहा है। बात करते हैं मिथुन राशि कि मिथुन राशि वाले गोचर मध्य में लेकिन काम बनेंगे, प्रयास सार्थक होंगे, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। जिसके घर योगा योग है, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, सरकार संबंधी कार्य बनेंगे, बस अपनी उच्च आकांक्षाओं को नियंत्रण में रखें, व्यवसायिक रदोबदल नहीं करें, पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान दें और स्वजनों से मेल मिलाप बनाए रखेंगे तो बड़ा बेहतर रहेगा। नमन आ रहे। नमन आ रहे। क्या करें, कार्य क्षेत्र में आज थोड़ा सतर्क रहना भी आवश्यक है। क्या ना करें, आज नवीन कार्य प्रारंभ ना करें। नमन आ रहे। मेष वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क संघ कन्या की बात करो, उससे पहले गुरुवार का राहु काल और गुरुवार की यात्रा। दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक राहु काल गणेश कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। सलाह मेरी और मर्जी आपकी, क्योंकि मैं खाली आपका मित्र हूं, आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आता हूं, न कि मैं आपको परेशानी देने आता हूं। साधारण सा व्यक्ति हूं, राष्ट्र प्रेम करता हूं और भारतीय सनातन संस्कृति को बांटने आता हूं, दावे करना मेरा विश्वास, ये मेरा है ही नहीं स्वभाव। सेकंड ओपिनियन के लिए हमेशा आपके पास अधिकार रहता है। और बात करते हैं यात्रा की। आज पश्चिम दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय है। मेरा यह कहना है कि समय और साधनों में परिवर्तन आ गया, ऐसी अवस्था में आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में गाय का घी का दीपक जले, पीला पुष्प भेंट करिए और जीरा चबाते तो यात्रा पे निकल जाए, यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमन आ रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, गोचर ये कहता है भावनाओं में बैठकर निर्णय नहीं लें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, जिसके घर योगा योग है, गैर कानूनी कार्यों से लाखों कोसों दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज समय अनुकूल नहीं है, समय प्रतिकूल है। भागदौड़ और परिश्रम के बावजूद भी कार्य क्षेत्र में उतनी सफलता हासिल नहीं मिलेगी, मन में बेचैनी है, परेशानी रहेगी, मर्यादाओं का उल्लंघन परेशानी का संकेत दे रहा है, मानहानि की संभावना भाई, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर। आज सुख के साधनों के उपभोग में बाधा उत्पन्न होगी और धन संबंधी समस्या सुबह से लेकर शाम तक ऐसा ही है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर मोगरे के पुष्प अर्पित करिएगा, कष्ट कम आए। क्या करें, मन में स्थिरता रखें। क्या ना करें, व्यवसायिक लेन देन न करें। न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रह गोचर उत्तम, सितारों का शुभ संकेत, प्रतियोगिता और परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे, रुकवे कार्य बनेंगे, धन लाभ होगा, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, अपनों का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि वालों, गणना ही आपके पक्ष में करवट ले रही है।
धन लाभ होगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, सरकार से लाभ होगा, सास और पराक्रम में वृद्धि होगी और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें, कारोबार के क्षेत्र में फिर बदल कर सकते हैं यदि चाहते हैं तो, वो तो ठीक है। क्या ना करें, अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता ना करें। नमनायन और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों समय उत्तम। गोचर ये संकेत दे रहा कि आज चेहरे पे मुस्कान रहेगी, सफलता आपका दामन चूमेगी, पुराने अनुबंधों से लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक कष्ट और परेशानियों से राहत मिलेगी, लेन देन संबंधी कार्यों का निपटारा होगा, नवीन योजनाएं फलीभूत होगी और शास्त्र और पराक्रम बढ़ेगा। नमन है, क्या करें, सामाजिक कार्य को थोड़ा सा और महत्व दीजिए। क्या ना करें, पारिवारिक मतभेद ना पनपने दें। नमन है, करक संगे कन्या की बात करें, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं, उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, वास्तु ये संकेत दे दी है कि पूजा घर कभी भी शयन कक्ष में नहीं बनाना चाहिए, और यदि स्थान अभाव में बनाना पड़े तो पूजा स्थल पर पर्दा अवश्य होना चाहिए। दोपहर रात में पूजा स्थल को पर्दे से अवश्य ढक दे, ये बहुत आवश्यक है। न मना रहे, और बात करते हैं सुझाव की। आज गुरुवार का दिन है और आप चाहते हैं कि ये दिन सुकून और शांति से बने, मनोनुकूल सफलता मिले आपको, ऐसी अवस्था में प्रातःकाल नित्यक्रम नियम स्नान उपरांत श्रद्धानुसार बाजरा पक्षियों को डाले और पीला रुमाल आज पूरे दिन अपने पास रखेगा, अच्छा रहेगा। नमन आ रहे, नमन आ रहे। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, गोचर थोड़ा सा मध्यम है, इसका मतलब तो परेशानी नहीं, मध्यम गोचर है, लाभ के लिए प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन पारिवारिक सहयोग मनोनुकूल रहेगा, सरकार से लाभ मिलेगा, सरकारी काम बनेंगे, कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी, और जिस तरह के घर योगायोग तुला राशि वालों, आज व्यापार संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। ये अलग बात है, थोड़ा सा व्यवसायिक स्थिति मध्यम है, धन की चिंता, लेकिन जो व्यर्थ की कारोबारी परेशानी उससे मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, किसी विशेष व्यक्ति की आवभगत में खर्चा जरूर है, लेकिन संसार निधि का मौका मिलेगा, धर्म के कार्य करने का मौका मिलेगा, सत्संग का मौका मिलेगा और दिन ठीक बीतेगा। नमन है, क्या करें, कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें, शत्रु को बढ़ावा ना दें। नमन है, और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, गोचर ये संकेत दे रहे कि अपने क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा, व्यर्थ के भय भ्रम और भ्रांति से आज बाहर नहीं रहे तो परेशानी आ जाएगी। जिस तरह की गृह योगा योग है और आपकी कार्यशैली, अनावश्यक भागदौड़ और कार्य में बाधा उत्पन्न होने का संकेत मिल रहा है। व्यवसाय संबंधी वार्ताओं में गोपनीयता बनाना बहुत जरूरी, अन्यथा अफवाहें और चर्चाएं कष्ट देगी, स्वास्थ्य प्रभावित होगा। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का है। छोटा सा उपाय, श्रद्धानुसार गुड़ अपने ऊपर 7 बार उचाइए और किसी विधवा स्त्री को दान में दे दीजिए, अच्छा रहेगा। क्या करें, किसी से किए गए वादे को पूरा जरूर करें। क्या ना करें, कार्य क्षेत्र में लापरवाही ना करें। नमन और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि ग्रह को चित्र सितारों का शुभ संकेत। गणनाएं ये संकेत देरी के काम बनेंगे, गणनाएं ये भी संकेत देरी की परेशानियों से मुक्ति मिलेंगे, धन लाभ होगा, मनोबल ऊंचा रहेगा। आज का दिन कार्य सिद्धि का दिन है, मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, धन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और कला के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। क्या करें, परीक्षा और प्रतियोगिता में शास बनाकर रखें। क्या ना करें, आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। ना मना रहे, तुला वृश्चिक धनु की बात करें, मकर कुंभ मीन की बात करूं, उससे पहले आज का उपाय और आज के अद्भुत देसी नुस्खे। इसका उपाय, यदि कठिन परिश्रम लाख कोशिशों के बावजूद भी रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई, प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिली, लाभ की बजाय हानि हो रही है, कारोबार में मन नहीं लग रहा है और कुंठाओं ने आपको घेर लिया है, ये उपाय आपके लिए रामबाण है। किसी भी शुक्रवार को उपाय प्रारंभ करें, लगातार 40 शुक्रवार, प्रत्येक शुक्रवार को 5.25 किलो मक्का, सदानुसार भुने हुए चने और गुड़ किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा
अब आप करके देखिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमनानंद बात करते देसी नुस्खा। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो प्रतिदिन सुबह एक छोटी चम्मच मेथी के दाने का चूर्ण गुनगुने पानी के साथ सेवन करके देखिएगा, आप करके देखिए, कष्ट मिट जाएगा। नमनानंद, ये जो नुस्खे हैं, ये उपाय है, ये जीवन का अनुभव है साथियों, लादने का स्वभाव नहीं है। आप करके देखेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं हृदय के भावों को बांटने आता हूं, दबाव देने नहीं। हाँ, ये बात जरूर कहता हूं कि मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव हैं और उनकी पूजा और अर्चना करने से जीवन के कष्ट मिटते हैं। और 17 मार्च 2018 मेरे आराध्य का सबसे बड़ा दिन शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। पधारिए, करिए दर्शन के आपके कष्ट मिटे। नमनारायण, नमनारायण। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, गोचर थोड़ा सा मध्यम है लेकिन मनोनुकूल सफलताएं मिलेगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और पैतृक संपत्ति के मसले निपटेंगे। लेकिन जिस तरीके घर युगाग्य और आपकी कार्यशैली वो संकेत दे रहे हैं कि आज कार्य व्यवसाय संबंधी भागदौड़ थोड़ी सी आपकी वजह से है, इसलिए किसी गरीब को नहीं सताए, एक बात को 10 बार नहीं कहें और रिश्तों की कदर करें, थोड़ा सा पारिवारिक जिम्मेदारी पर ध्यान दें, अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या करें, सामाजिक कार्य में हिस्सा लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ना करें, कारोबार के क्षेत्र में फिर बदल ना करें, ना मना रहे। और अब बात करते हैं कुंभ राशि। लगन से चंद्रमा है और गोचर ये संकेत दे रहा है कि आज का दिन खुशियों से बीतेगा, परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, कि संपूर्ण ग्रह गोचर गणनाएं आपके पक्ष में करवट ले, जो समय उत्तम है, सुफलों की प्राप्ति होगी, परेशानी से छुटकारा मिलेगा, धन संबंधी शुभ समाचार की प्राप्ति के साथ साथ लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, स्वजनों का सहयोग मन को संतुष्टि करेगा और काम बनेगा। बहुत सुंदर गोचर है कुंभ राशि वालों और इसका आज आपको लाभ उठाना चाहिए। क्या करें, वाणी की अनुकूलता बनाए रखें। क्या ना करें, अनावश्यक कारोबारी यात्रा आज ना करें, ना मना। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, 12वें भाव से चंद्रमा गोचर करें, मैंने आपको समझा रहा है कि चंद्रमा 12वें भाव से गोचर में गोचर करें तो अच्छा नहीं माना जाता, इस समय थोड़ा सा प्रतिकूल है, कर्मचारियों का असहयोग आपसी मतभेद बढ़ा सकता है और ये आपके कारोबार में नुकसान का संकेत दे रहा है, आज थोड़ा सा कर्मचारियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मीन राशि वालों, कानूनी झमेलों से दूर रहना आज बेहतर होगा, आज का दिन तनाव उथल पुथल से भरा है, इसलिए थोड़ी सी धैर्य, थोड़ा सा संयम से काम करना बहुत जरूरी, और संभव हो तो कोई सौदा ना करे, लंबी यात्रा ना करे, सुबह से लेकर शाम तक छोटा सा उपाय चने की दाल श्रद्धानुसार किसी स्वागन गरीब महिला को दान में दीजिएगा, कष्ट कम आएगा। ना मना, क्या करें, कुटुंबजनों से मेलजोल बढ़ाए। क्या ना करें, अनिच्छा से कोई कार्य ना करें, ना मना। 12 के 12 राशियों का राशिफल ग्रह नक्षत्रों पर आधारित था, पुनः मेरा निवेदन, ये विचार है मेरा, लादने का स्वभाव नहीं, सेकंड ओपिनियन आपका था, आपका है और आपका रहेगा। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कैसे अशांति से मुक्ति पाए इस पर कुछ कहूंगा। नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महोत्सव, है दर्द आपके पास तो दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवादिदेव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है और ये व्यवस्था के आर मंगलम वालों की तरफ से, के आर मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन कि आपका कल्याण हो। नमस्कार। बहुत ही बढ़िया लगा, बड़ी शांति मिली, दर्शन किए भगवान के, शनिदेव जी की, महाराज जी के दर्शन किए। शनिदेव महाराज जी का जरूर आशीर्वाद लेना चाहिए, वो सब जीवन की कष्ट दूर करते हैं, हर संपत्ति हमको देते हैं,
हर सुख संपत्ति देते हैं और बड़ा अच्छा रास संसार हमारा जीवन पार होता है। सन्नो देवी रविष्ठ आपो भवंतु पीतये, संजो रवि श्रवंतु न। शनि भगवान की शरण में एक बार जो व्यक्ति आ जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर दर्शन कर आत्मिक शांति प्राप्त। ज़्यादा से ज़्यादा आप शनि भगवान की शरण आए। यदि आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो जितना हो सके शनि भगवान को माने, शनि भगवान को प्रणाम करिए, क्योंकि शनि भगवान सबकी इच्छाएँ पूरी करते हैं। पर आके बहुत अच्छा लगा। मेरे गुरु शनिदेव ही हैं और मैं बहुत मानता हूँ, हर शनिवार को पूजा भी करता हूँ और शनिदेव की बहुत कृपा है मुझ पर, बहुत ज़्यादा। भगवान ऐसी कृपा सब पे बना के रखे। शनिदेव आप यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ, अपने जीवन में एक बार ज़रूर आके देखें कि यहाँ पे कितनी शांति है, कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर एक बार आके दिया जलाएँ, प्रसाद चढ़ाएँ, तेल चढ़ाएँ, बहुत सुकून मिलेगा और आपके जीवन में फलदायी होगा आपका जीवन। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, प्रयासों के बावजूद भी मन शांत नहीं रहा, चैन की नींद नहीं सो पा रहे और अशांति आपका पीछा नहीं छोड़ रही, निजगत कर्मों की वजह समय और साथी आपका साथ नहीं दे, किसी भी गुरुवार दिन पूजा प्रारंभ करें, लगातार साल भर या फिर 40 गुरुवार, किसी भी गुरुवार दिन नित्यक्रम स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में अंगुष्ठ प्रमाण भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी की मूर्ति चांदी की स्थापित करी शुद्ध पात्र में। सदैव जल गंगा जल पंचामृत से पवित्र करी, शुद्ध जल से पुनः स्नान कराई, शुद्ध वस्त्र धारण करवाई, 108 पान के पत्र कुंकुम और केसर से श्री लिखे, तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर ओम सहस्त्र श्रीशाय नमो इस मंत्र का जाप करते ये पान के पत्र भगवान श्री हरि को अर्पित कर, पूजा के उपरांत हरि से प्रार्थना करते एक पान का पत्ता अपनी तिजोरी में रख दे और बाकी सारी जल में प्रवाह कर। अब करके देखिएगा, प्रणाम आपके सामने होगी नमन। और बात करते हैं आज के जीवन मंत्र। उलझन का अर्थ है तुमने एक रास्ता चुना पर दूसरे रास्ते पर अधिक आनंद दिखता है। तुम कोई भी चुनो लेकिन लगता है दूसरा अधिक आनंदमय होगा। आनंद किसी और से अधिक नहीं होगा, तुम स्वयं ही आनंद के स्रोत हो, इसलिए उलझन से बाल आने के लिए अपने साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। नमो नारायण। अब समय है प्रभु के दर्शनों का और दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। जय शनिदेवा, हरि ओम तत् सत् 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 जय शनिदेवा, हरि
हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा हरि ओम तत्सत् जय शनि देवा। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया, प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही, कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का उपाय शुक्रवार का राशिफल, माँ लक्ष्मी को कैसे मनाएं, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव देसी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आऊंगा। आज अपनी गलती, अपने गुना और अपनी भूल की माफी मांगते हुए अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। 17 मार्च 2018 शनि अमावस्या महत्व, श्री शनि धाम, शनि तीर्थ चित्र, असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है। दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से शनिधाम आने और पुनः छतरपुर मेट्रो से छोड़ने के लिए निशुल्क बस सुविधा है आपके लिए। आइए शनिधाम, करिए दर्शन कि आपका कल्याण हो। ये निशुल्क बस सुविधा के आर मंगलम इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ग्रुप वालों ने आपके लिए की है। नमस्कार।